हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू एक्सरसाइज 9.1। जो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके अंदर आज हम 9.1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर नंबर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमिल्स। जो मोनोमिल्स दिए गए हैं आपको, इनके आपको प्रोडक्ट फाइंड करने हैं, इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो किस प्रकार से करना है, जैसे 3 दिया गया है और 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 को 3 से करेंगे तो क्या होगा, 5 3 15, और ओनली एक्स को यहाँ पे राइट करना है, यानी 15x क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है जिसमें आपको -5 -2 दिया गया है, तो -5 × -2 मल्टीप्लाई पी मल्टीप्लाई क्यू। आपको करना है 5 को 2 से, तो 5 2 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पी को क्यू से करना है तो पी और क्यू, तो 10 PQ इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट दिया गया आपको 7 दिया गया और 7t² को मल्टीप्लाई करना है -3n² से, तो आपको ऐड करना है 7 × -3 मल्टीप्लाई टी का स्क्वायर मल्टीप्लाई एन का स्क्वायर। तो आपको करना है 7 को 3 से, तो 7 3 जा 21 प्लस माइनस माइनस टी स्क्वायर और एन स्क्वायर देगा, तो आपको सेम राइट करना है t² n²। नेक्स्ट आपका 6m मल्टीप्लाई करना है आपको 3n से, तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से मल्टीप्लाई m मल्टीप्लाई n, तो 6 3 जा 18, m को n से करेंगे तो आपका mn। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन आपका 5, -5 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, तो -5 × -2 मल्टीप्लाई x² मल्टीप्लाई x। जो एक्स स्क्वायर है आप इसको किस प्रकार से राइट कर सकते हो, एक्स मल्टीप्लाई एक्स राइट कर सकते हो, और इस एक्स को आप एक्स प्रकार इस प्रकार से भी आप राइट कर सकते हो। तो 5 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 5 2 जा क्या होगा आपका 10, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, एक्स आपका कितने टाइम है 1 2 3, तो एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, तो 10 एक्स की पावर 3 इसका आंसर हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर पर जिसमें आपने मोनोमील्स है उनको मल्टीप्लाई करने के बारे में सीखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है जिसके अंदर आपको कंप्लीट द टेबल, यानी जो टेबल दी गई इसको आपको कंप्लीट करना है। किस प्रकार से करना है, एक एक जो बॉक्स दिए गए सबको अपन कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे दिए गए आपको 49, यानी आपको क्या करना है, जो नंबर दिए गए इनको सभी नंबरों से मल्टीप्लाई करना है। इस प्रकार से जो सभी जो आपस में क्रॉस में मल्टीप्लाई होंगे और आपकी जो टेबल है वो कंप्लीट हो जाएगी। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट लाइन है, सबसे पहले अपन जो 7 है, 7 से सभी नंबरों को जो अल्फाबेट वगैरह दिए गए इनको सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 को 7 से क्या, तो क्या आ गया आपका 49। अब 7 को x से करेंगे तो क्या होगा आपका 7x, 7 को y से करेंगे तो होगा आपका 7y, 7 को 2 से करेंगे तो होगा 7 2 जा 14, जो z बच गया तो आपका z हो जाएगा, 7 को z से करेंगे तो होगा आपका 7z, 7 को -5b से करेंगे तो 7 को 5 से करेंगे तो 7 5 जा 35, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे जो बी देर का आपको अल्फाबेट का वो राइट करना है। 7 को फिर मल्टीप्लाई करना है सी से, तो होगा आपका 7c। इसी प्रकार से अब अक्स को मल्टीप्लाई करना है सभी नंबर से, तो अक्स को 7 से करेंगे तो होगा आपका 7x। सबसे पहले आपको नंबर राइट करना है, उसके बाद में आपको अल्फाबेट राइट करना है। अक्स को अक्स से करेंगे तो आपका 2x नहीं होगा, आपको राइट करना है x², क्योंकि प्लस के अंदर आपका ओनली एक्स रखता है, और इनकी जो पावर है वो होती है आपकी मल्टीप्लाई में जुड़ जाती है, यानी एड होती है आपकी। अब करना है आपको एक्स को वाई से, तो एक्स और वाई हो जाएगा, एक्स को करना है 2z से, तो 2xz हो जाएगा, फिर एक्स को जेड से करेंगे तो एक्स जेड होगा, और एक्स को -5b से करेंगे तो -5bx हो जाएगा, और सी से करेंगे तो हो जाएगा आपका सी एक्स, या एक्स सी कुछ भी राइट कर सकते हो आप। नेक्स्ट है इसके बाद में 2y को करेंगे तो 7 को 2 से करेंगे तो 7 2 जा 14 हो जाएगा, और y है तो आपको y राइट करना है। एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 2y को तो हो जाएगा 2xy, क्योंकि अल्फाबेट में जो y है वो एक्स पहले आता है। 2y को करेंगे y से तो 2y² हो जाएगा, y और y मिलके आपके 2y हो जाएंगे, मतलब स्क्वायर बढ़ जाएगा। यहाँ पे 2y को करना है 2z से, तो 2 2 जा हो जाएगा आपका 4, और जो y और z आपका सेम रहेगा। अब z से करना है
टू वाई जेड माइनस फाइव बी से करना है टू को, टू वाई जेड तो टू को फाइव से करेंगे तो टू फाइव जेड टेन प्लस माइनस माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पे वाई और वहां पे दिया गया है आपको बी, तो बी और वाई आपको राइट करना है। टू वाई को मल्टीप्लाई करना है सी से, तो टू वाई को करेंगे तो आपको राइट करना है टू सी वाई। इसके बाद में नेक्स्ट आपका माइनस थ्री ए, तो माइनस थ्री ए को मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले सेवन से, तो सेवन थ्री जा 21, ये माइनस का दे रखा और ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे आपको ए दे रखा तो 20 माइनस का 21 ए हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट आपका एक्स, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस थ्री ए को, तो आपको राइट करना है माइनस थ्री ए एक्स, और आगे का जो है आपको पहले से फील किया हो गया है। इसके बाद में आपको नेक्स्ट है टू जेड को मल्टीप्लाई करना है माइनस थ्री ए से, तो माइनस थ्री को सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है टू से, तो टू थ्री जो हो जाएगा आपका सिक्स, ये माइनस का और ये प्लस का, तो प्लस माइनस आपका होगा माइनस, यहाँ पे ए दे रखा है और यहाँ पे जेड है, तो आपको राइट करना है ए जेड। नेक्स्ट है माइनस थ्री ए को मल्टीप्लाई करना है जेड से, तो माइनस थ्री ए और जेड आपको सेम राइट करना है। फिर नेक्स्ट दिया गया आपको माइनस फाइव बी से मल्टीप्लाई करना है, तो फाइव थ्री जा हो जाएगा आपका 15, माइनस माइनस के दोनों नंबर, तो माइनस माइनस होगा आपका प्लस, यहाँ पे ए दे रखा है और यहाँ पे बी दे रखा, तो ये जाएगा 15 ए बी। लास्ट आपका सी से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस थ्री ए सी हो जाएगा, माइनस थ्री ए सी हो जाएगा। इसके बाद में आपका बी से मल्टीप्लाई करना है, तो सेवन को बी से करेंगे तो जाएगा सेवन बी, और एक्स से करेंगे तो होगा आपका बी एक्स, वाई से करेंगे तो होगा आपका बी वाई, टू जेड से करेंगे तो जाएगा आपका टू बी जेड, जेड से करेंगे तो होगा आपका बी जेड, माइनस फाइव बी से करेंगे तो आपका होगा माइनस फाइव, और बी मिलके हो जाएगा आपका बी का स्क्वायर, सी से करेंगे तो होगा आपका बी सी। इसके बाद में आपको करना है वाई से, तो वाई को सेवन से करेंगे तो होगा आपका सेवन वाई, फिर आपको एक्स से करना तो होगा आपका एक्स वाई, वाई से करेंगे तो हो जाएगा आपका वाई का स्क्वायर, क्योंकि वाई और वाई हो गए टू, और टू जेड को करना है तो हो जाएगा आपका टू वाई जेड, यहाँ पे वाई है, वाई को जेड से करेंगे तो आपका वाई जेड माइनस फाइव बी वाई, सी से करेंगे तो सी वाई। इसके बाद में टू अक्स क्यूब दे रखा है, नहीं टू अक्स की पावर थ्री दे रखी है, तो यहाँ पे आपको टू को मल्टीप्लाई करना है सेवन जो सेवन टू जा 14 अक्स क्यूब, अक्स से करना है तो टू अक्स फोर, यानी इसकी पावर बढ़ जाएगी, एक अक्स दे रखा है यहाँ पे। अब जो सभी नंबर दे रखे हैं आपको सेम राइट करना है यहाँ पे, क्योंकि अक्स किसी भी नंबर के पास में नहीं है, जो टू दे रखा है टू से मल्टीप्लाई करना है, वाई से करेंगे टू अक्स क्यूब वाई हो जाएगा, फिर आपको टू जेड से करना है तो टू टू जा हो जाएगा आपका फोर, यहाँ पे रहेगा आपका एक्स क्यूब और ये रहेगा आपका जेड। अब जेड से करना है टू एक्स क्यूब जेड हो जाएगा, माइनस फाइव बी से करना तो बी को, सॉरी फाइव को करना है टू से, तो फाइव टू जा हो जाएगा आपका टेन, ये माइनस का और ये प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे बी दे रखा है यहाँ पे एक्स क्यूब दे रखा, तो आपको लिखना है माइनस टेन बी एक्स का क्यूब। लास्ट में सी से मल्टीप्लाई करना है, तो टू अक्स क्यूब को मल्टीप्लाई करना है सी से, टू सी अक्स क्यूब। इसके बाद में नेक्स्ट आपका ए की पावर फोर से मल्टीप्लाई करना है सभी नंबरों को, तो सेवन से करेंगे तो सेवन ए की पावर फोर, अक्स से करेंगे तो ए की पावर फोर अक्स, वाई से करेंगे ए की पावर फोर वाई, टू जेड से करेंगे तो टू ए की पावर फोर जेड, फिर जेड से करेंगे तो ए की पावर फोर जेड पहले से ऑलरेडी यहाँ पे फील किया गया है, माइनस फाइव से करेंगे तो आपका सेम रहेगा माइनस फाइव ए की पावर फोर बी, और सी से करेंगे तो ए की पावर फोर सी। अब आपको जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो सेवन को करेंगे तो सेवन जेड स्क्वायर, एक्स से करेंगे तो एक्स जेड स्क्वायर, वाई से करेंगे तो वाई जेड स्क्वायर, टू जेड से करना है तो टू जेड स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी एक्स जेड का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है और वन एक्स ऐड करते हैं आपका क्यूब हो जाएगा, फिर आपको जेड को जेड स्क्वायर से करना है तो ये हो जाएगा आपका जेड का क्यूब, फिर आपको माइनस फाइव बी से करना है, तो
तो -5b जेड स्क्वायर हो जाएगा, और लास्ट में आपको सी दिया गया तो सी जेड स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपको जो टेबल दी गई थी इस टेबल को फिल करना है। अगर आप टेबल को अच्छे से फिल कर ले तो इसका मतलब आपको सभी नंबरों में जो आपको ये जो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उनको मल्टीप्लाई आप आराम से कर सकते हो। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर है थर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर। थर्ड, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मोनोमियल्स, यानी मोनोमियल्स दिए गए इनको आपको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिए गए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक्स वाई, फिर आपको एक्स स्क्वायर वाई, एक्स वाई और एक्स, इन सभी को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो किस प्रकार से आपको राइट करना है, तो सभी को आप अलग अलग राइट करेंगे। सबसे पहले जैसे यहाँ पे एक्स और वाई दे रखा है, तो एक्स मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई एक्स, यहाँ पे स्क्वायर दे रखा तो एक्स मल्टीप्लाई एक्स राइट करना है, मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई एक्स। अब आपको काउंट करना है एक्स कितने टाइम लिखा गया है और वाई कितने टाइम है। एक्स आपका 1 2 3 4 5 टाइम, तो एक्स की पावर जाएगी 5, वाई आपका 1 2 3, तो वाई की पावर जाएगी 3। तो ये था इसका आंसर। तो इस प्रकार से आपको मल्टीप्लाई करना है, यानी आप सीधा सीधा राइट कर सकते हो इनको। जैसे एक्स 1 2, और 2 टाइम यहाँ जाएगा 4, और 1 टाइम ये रहा आपका 5 टाइम हो गया, और वाई जो आपका 1 2 3 टाइम दिया गया, तो वाई का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे जो एम दिया गया तो आपको ऐड करना है एम मल्टीप्लाई एन मल्टीप्लाई एम मल्टीप्लाई एन मल्टीप्लाई एम, 3 टाइम है, एम मल्टीप्लाई एन, यानी एम 3 टाइम राइट किया, और फिर एन मल्टीप्लाई एम, एन आपका 3 टाइम, एन मल्टीप्लाई एन एड करना है इनको। जो एन है सबसे पहले काउंट करना है 1 2 3 4 5 6, यानी जो एम है उसकी पावर होगी 6, एन है आपका 1 2 3 4 5 6, यानी एन भी आपका 6 टाइम है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, एम की पावर 6 और एन की पावर 6। यहाँ पे आपका एम जो है कितने टाइम है, 3 टाइम, तो ये रहा आपका 3 4 5 6, और एन भी आपका 3 4 5 6। के मल्टीप्लाई एल मल्टीप्लाई एल मल्टीप्लाई एम मल्टीप्लाई के मल्टीप्लाई एम मल्टीप्लाई के मल्टीप्लाई एल मल्टीप्लाई एम। अब आपको सबसे पहले के काउंट करना है, के कितने टाइम राइट किया गया, 1 2 3, तो के की पावर हो जाएगी 3, यानी के का क्यूब हो जाएगा। एल जो दिया गया आपका 1 2 3 टाइम, तो एल का क्यूब होगा। एम आपका 1 2 3 टाइम, एम का क्यूब होगा, यानी तीनों का क्यूब दे रखा है। तो आप इस प्रकार से राइट कर सकते हो के एल एम, इस प्रकार से भी आप इसको राइट कर सकते हो। यानी जो ब्रैकेट में जो भी अल्फाबेट दिखे वो पावर सभी नंबरों की होगी। तो आप डायरेक्ट यहाँ काउंट कर सकते हो, तो के दे रखा आपको 1 2 3 टाइम है, एल आपका 1 2 3 टाइम है, और एम आपका 1 2 3 टाइम है। तो के एल एम जो भी है उनकी पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ये थी क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका 4। लास्ट क्वेश्चन है 4, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला दिया गया आपको पीटीआर अपॉन में 100, जिसमें आपका इफ प्रिंसिपल जो पी है पी से आपका डिनोट किया गया, यहाँ पे 4x² है, टाइम आपका टी से है तो 5x है, और एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका आर से बताया गया यहाँ पे, तो इसका वैल्यू दे रखी आपको 5y। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूले में आपको पीटीआर के अकॉर्डिंग इनको वैल्यू जो दी गई है वो राइट करनी है। जैसे पी की जगह आपको राइट करना है 4x² मल्टीप्लाई टी की जगह आपको 5x मल्टीप्लाई आर की जगह आपको 5y राइट करना है, अपॉन में आपका दिया गया 100। तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो सभी नंबरों को अगर आप अलग अलग राइट कर सकते हो, या जो अल्फाबेट दिए गए इनको भी आपको देखना है। जैसे 4 को 5 से करेंगे, या 5 को 4 से करेंगे तो 5 को 5 से करेंगे तो 5 5 25, और 25 को 4 से करेंगे तो जाएगा आपका 100। अक्ष स्क्वायर को अक्ष से करेंगे तो जाएगा आपका अक्ष क्यूब, और जो वाई है वो आप रहेगा वाई, अपॉन में आपका 100 दिया गया, 100 से आपका 100 कट हो जाएगा, तो आपके पास एक्स क्यूब वाई इसका आंसर आएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज आपकी 9.1 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करवाने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको आप लाइक करो, और जो अगर आप चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूले।